सो हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके भी मेल पर ये इनकम टैक्स रिटर्न डिफेक्टिव का मेल आया है और आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इसको आप कैसे ठीक करें? आप यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो में इसके बारे में बहुत सारे वीडियो है, वो बता रहे हैं कैसे इसको आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो लोग कुछ पॉइंट मिस कर रहे हैं। तीन चार पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जिसके पास मैकबुक है, जो मैकबुक में रिटर्न डिफेक्टिव रिटर्न को फाइल कर रहा है, उनका एक बहुत तकलीफ हो रहा है, वो आसानी से नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी कैसे आप आराम से कर पाएँ, ये आज के वीडियो में हम जानेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के वेबसाइट पर जाके लॉग इन कर देना है। अब इसके बाद ई फाइल पर जाके इनकम टैक्स रिटर्न्स पर जाके व्यू फाइल रिटर्न्स पर चले जाना है। अब फ्रेंड्स देखिए, मैं तो ये फाइल कर चुका हूँ करेक्ट रिटर्न, आप तो ये फाइल नहीं किए होंगे तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न ही होगा, तो उसका ये डाउनलोड जेसन है, इसको पहले आपको डाउनलोड कर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाद में आपको पता चलेगा। अब आपको यहाँ से लॉग आउट कर देना है और इनकम टैक्स का इस पेज पे आ जाना है और यहाँ देखिए डाउनलोड्स है, वहाँ पे चले जाना है। अब देखिए, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं वो लोग आपको बता रहे हैं कि यूटिलिटी पे आप क्लिक करिए, इसको डाउनलोड करिए और इसके बाद आप उसमें फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मैकबुक है तो ये यूटिलिटी पे डाउनलोड करने पे कुछ काम नहीं आएगा, आप जितना भी ट्राई करें उसको आप अनजिप नहीं कर पाएंगे, वो जिप फाइल है, इसको आप अनजिप नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, यूटिलिटी फॉर मैक है, इस पर आपको क्लिक करके इसको डाउनलोड कर देना है। अब ये फ्रेंड डाउनलोड हो गया है, तो आपको ये डाउनलोड सेक्शन पे जाना है और ये देखिए वो अपना डाउनलोडेड फाइल है, यहाँ पर इसको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जाकर इस पर डबल क्लिक करना है, अब एक फोल्डर ओपन हो जाएगा, फोल्डर पर जाना है, यहाँ पर भी डबल क्लिक करना है। अब इसको ऐसे ड्रैग करके एप्लीकेशन में डाल देना है। ये पहले से मैं किया था तो एक ऑलरेडी एक फाइल है, तो यहाँ पर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो ये देखिए कुछ ओपन नहीं हुआ, यहाँ ऐसे फाइल ओपन हो गया, इस पर चलिए क्लिक करते हैं, तभी देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आपको पहले इधर जाना है लॉन्च पैड पर, इसके बाद ये इनकम टैक्स का जो ऐप ये क्रिएट हो गया है, इस पर डबल क्लिक करते हैं। यहाँ तो देखिए नीचे आ गया लेकिन ये कुछ ओपन ही नहीं हो रहा है। तो आपको अब क्या करना है, ये देखिए ऐसे लिखेगा, ITD फाइल 2040 कांट बी ओपन बिकॉज एप्पल कैनॉट चेक इट फॉर मलेशिया सॉफ्टवेयर। तो यहाँ ओके क्लिक कर देना है। अब बस आपको इधर जाना है और सिस्टम सेटिंग पे चले जाना है। अब आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे जाना है और नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ देखिए ITD फाइल 2040 वाज ब्लॉक फ्रॉम यूज बिकॉज इट इज नॉट फ्रॉम एन आइडेंटिफाइड डेवलपर, ओपन एनी वे पे हमको क्लिक करना है। अब पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड दे देना है, अब यहाँ ओपन पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए वो यूटिलिटी अब ओपन हो गया, अब यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ आपको फाइल रिटर्न्स पे जाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको कोई नहीं बता रहा है, इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट ITR फाइल इन ऑनलाइन मोड और इंपोर्ट जेसन, इस पर क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमको ये अटैच फाइल पे क्लिक करके जो हम जेसन फाइल पहले डाउनलोड किए थे, जो अपना डिफेक्टिव जो रिटर्न का, उसका जेसन फाइल इधर हमको अपलोड कर देना है। इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करके हमको जो नॉर्मल जैसे आप फाइल करते हैं उसी तरह फाइल करिए, जो आपका गलती हुआ है उसको आप रेक्टिफाई कर दीजिए। ये सब प्रोसेस आपको और सारे वीडियो में मिल जाएगा, वो आप देख लीजिए उधर से, सिंपल प्रोसेस है वो कर दीजिए। और इसके बाद आखिर का जो स्टेप है, जो सबमिट होता है, वो सबमिट मत करिए, वहाँ एक जेसन फाइल होगा, वो जेसन फाइल को बस आपको एक बार डाउनलोड कर देना है। वो जेसन फाइल को डाउनलोड कर दीजिए और फिर आपका इनकम टैक्स का वेबसाइट में जाके आपको अपना लॉगिन कर देना है। अब आपको इधर पेंडिंग एक्शन पे जाना है, ई प्रोसीडिंग पे चले जाना है और यहाँ जो आपको डिफेक्टिव नोटिस आया होगा वहाँ व्यू नोटिस और ऑर्डर पे जाके, यहाँ व्यू रेस्पॉन्स पे जाके, मैं तो ये सबमिट कर चुका हूँ, जो आपका यहाँ एक अटैच करने के लिए आएगा, वहाँ ऑफलाइन पे क्लिक करके वहाँ अटैच फाइल कर दीजिए, मेरा ये फाइल ऑलरेडी अटैच है, और उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिए, बस हो गया। और कुछ दिनों के बाद आपका जो इनकम टैक्स का जो रिटर्न है वो आ जाएगा। आई होप वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो चला तो प्लीज लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।